तो दोस्तों साल 2016 में आई मूवी सुसाइड स्क्वाड एक बॉक्स ऑफिस हिट रही, और क्योंकि ये डीसी की बाकी मूवीज की तरह एकदम डार्क ना होके थोड़ा फन और ज्यादा एंटरटेनमेंट से भरी थी, इसलिए डीसी के कोर फैंस के अलावा भी बाकी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इस साल अगस्त में रिलीज हो रही है द सुसाइड स्क्वाड, जो कि एक तरह से इस मूवी का रीमेक है और नहीं भी है। रीमेक इसलिए क्योंकि इस मूवी में पिछली मूवी के कई कैरेक्टर्स मौजूद है जो कि सुसाइड स्क्वाड मूवी के एंड तक जिंदा बच गए थे। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है द सुसाइड स्क्वाड मूवी का प्री ब्रेकडाउन, यानी कि वो वीडियो जो आपको देखना चाहिए मूवी देखने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि सुसाइड स्क्वाड है क्या और मूवी का ये नाम क्यों पड़ा है। तो डीसी यूनिवर्स के कुछ ऐसे विलन्स नहीं सुपर विलन्स हैं जिनको कि गवर्नमेंट ने एक सिक्योर्ड जेल में कैद करके रखा हुआ है। इनकी सजा इतनी लंबी है कि शायद वो कई दशकों तक जेल में ही पड़े रहेंगे। लेकिन जब इस गवर्नमेंट एजेंसी को कोई ऐसा मिशन मिलता है जिसमें कि वो बिना अपनी एजेंसी के लोगों को खोए उस मिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो ढूंढते हैं ऐसे लोग जो कि डिस्पोजेबल हो, यानी कि अगर मिशन के दौरान वो पकड़े जाए या फिर मर भी जाए तो ये गवर्नमेंट एजेंसी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। अब ऐसे में कौन कैदी कहेगा कि मुझे इस मिशन पे जाना है? ये हमारे सुपर विलन्स। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें ऐसे मिशन सक्सेसफुली करने पे इनकी सजा के कई साल कम कर दिए जाएंगे। दूसरा रीजन क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट सभी खिसके हुए हैं और एक जगह शांति से जेल में रहना नहीं चाहते हैं। तीसरा रीजन कि इन्हें लोगों को मारने में मजा आता है। बट जब गवर्नमेंट इतने खतरनाक सुपर विलन्स, वो भी एक दो नहीं दर्जन भर की टीम अगर मिशन पे भेज रही है, तो क्या भरोसा है कि वो गवर्नमेंट की बात माने और जिस काम के लिए भेजा गया है वो करके चुपचाप वापस आ जाए। इस चीज की गारंटी लेने के लिए हर एक टीम मेंबर के ब्रेन में फिट किया जाता है एक चिप, जो कि एक तरह से एक एक्सप्लोजिव है, जिसका रिमोट है इसी एजेंसी के हेड के पास, जो कि है अमांडा वॉलर। तो बात करते हैं पिछली सुसाइड स्क्वाड और इस मूवी के कैरेक्टर्स कैसे फिट बैठते हैं। तो साल 2016 की सुसाइड स्क्वाड मूवी से अमांडा वॉलर के अलावा सिर्फ तीन और कैरेक्टर्स इस मूवी में फिर से दिखेंगे, जो कि है रिक फ्लैग, एजेंसी की तरफ से इस टीम का लीडर, हार्ले क्विन और कैप्टन बूमरैंग। अब अमांडा वॉलर और रिक फ्लैग तो एजेंसी के लिए काम करते हैं और वो नॉर्मली मिलिट्री ट्रेंड मर्सनरीज हैं, लेकिन हमारी टीम टास्क फोर्स एक्स के मेंबर्स ना ही सिर्फ फाइटिंग के लिए ट्रेंड है बल्कि बहुत कुछ सुपर पावर्स भी रखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हार्ले क्विन की, जिसे प्ले किया है मार्गरेट रॉबी ने। हार्ले क्विन को हम पिछली सुसाइड स्क्वाड और बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी से जानते हैं। अब इसके पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन हार्ले क्विन पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है और वो कब क्या कर सकती है किसी को नहीं पता। कैप्टन बुमरैंग जिसे प्ले कर रहे हैं जे कोर्टनी, जिसे कि पकड़ा था बैरी एलन ने, यानी कि फ्लैश ने, एक क्राइम करते हुए, जिसके बाद उसे 3 लाइफ सेंटेंस मिले हैं। वो पिछली सुसाइड स्क्वाड का भी पार्ट रह चुका है और उसकी सुपर पावर्स है ऑब्वियसली बुमरैंग चलाना और बाकी वेपन यूज करना। अब इन चार कैरेक्टर्स के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स मूवी में हैं वो सभी डीसी के न्यू कैरेक्टर्स हैं और डीसी कॉमिक्स में बहुत फेमस रह चुके हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं ब्लड स्पोर्ट, जिसे प्ले किया है इड्रिस एल्बा ने, क्योंकि डेट्स क्लैश होने की वजह से विल स्मिथ इस मूवी का पार्ट नहीं बन पा रहे थे, तो उनकी जगह इड्रिस एल्बा एज डेडशॉट प्ले करने वाले थे, बट फिर स्टोरी को थोड़ा चेंज करके इड्रिस एल्बा प्ले करेंगे कैरेक्टर ब्लड स्पोर्ट का। अब ब्लड स्पोर्ट जेल में इस वजह से है क्योंकि उसने सुपरमैन को एक क्रिप्टोनाइट बुलेट से शूट किया था कई सालों पहले। इसका रीजन था लक्स लूथर का उसे सुपरमैन के खिलाफ भड़काना। अब क्योंकि ब्लड स्पोर्ट अपनी बेटी, जिसका कि केस कोर्ट में फंसा हुआ है, उसे बचाने के लिए इस मिशन पे जाने को रेडी होता है। कॉमिक्स के हिसाब से उसकी एबिलिटीज है हाईटेक वेपन्स यूज करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस यूज करना, जो कि शायद मूवी में ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन वो बहुत अलग अलग तरह के हाईटेक वेपन्स जरूर यूज करते हुए दिखेगा। पीसमेकर, जिसे प्ले कर रहे हैं जॉन सेना। पीसमेकर एक तरह से एक बेकार कैप्टन अमेरिका है जिसका एक ही गोल है पीस, लेकिन वो उस पीस को हासिल करने के लिए किसी भी वॉयलेंट लेवल तक जा सकता है। किंग शार्क, जिसकी वॉइस दी है सिल्वेस्टर स्टालोन ने। किंग शार्क हाफ ह्यूमन और हाफ शार्क है और वो पानी के साथ साथ जमीन पे भी रह सकता है। कॉमिक्स में उसने सुपरमैन से लेके एक्वामैन तक से पंगा ले रखा है। उसके पास बड़े शार्क दांतों के साथ है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और अंडर वाटर हीलिंग एबिलिटी, बट मूवी में उसके कैरेक्टर को एक फन तरीके से दिखाया जा रहा है। पोल्का डॉट मैन, ये बैटमैन कॉमिक्स की सीरीज का एक छोटा मोटा विलन है जिसकी कॉस्ट्यूम पोल्का डॉट से भरी हुई है, जो कि अटैक करने के टाइम उन्हीं पोल्का डॉट से अलग अलग वेपन्स का रूप ले सकते हैं। रैट कैचर 2, रैट कैचर बैटमैन की कॉमिक्स का एक और विलन था जो कि रैट्स यानी कि चूहों को माइंड कंट्रोल करके अपने बुरे काम उनसे करवाता था। ये रैट कैचर 2 उसी की तरह का एक एडवांस कैरेक्टर है। तो इसकी पावर्स है लाखों की क्वांटिटी में रैट्स की एक गैंग को कंट्रोल करना और उनसे अपने हिसाब से सब कुछ करवाना। सेवेंट,
ये बैटमैन की तरह एक मल्टी मिलियनेयर विजिलेंट है जो कि उसी की तरह मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है। बस फर्क इतना है कि इसके ब्रेन में एक केमिकल इम्बैलेंस की वजह से वो चीजें बीच में ही भूल जाता है, और ये कैरेक्टर इसी वजह से मूवी में एक फन एलिमेंट ऐड करेगा। मंगल। मंगल एक प्लैनेट डेबस्टैम 4 का एलियन है जो कि अपने जुड़वा भाई के साथ अपने प्लैनेट पे राज करती है। कॉमिक्स के हिसाब से मंगल सुपरमैन तक को टक्कर दे चुकी है। उसकी सुपर पावर्स में सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और स्टेमिना आता है जो कि उसे इन सभी से बहुत ज़्यादा पावरफुल और हटके दिखाएगा। वीजल। वीजल एक्चुअल में जॉन मोनरो नाम का एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है जो कि अपने स्टूडेंट लाइफ में खुद एक प्रोफेसर से तंग आके वीजल की कॉस्ट्यूम बनाता है। उसके शार्प टीथ और पंजों की मदद से फिर वो उन्हीं प्रोफेसर्स को मार देता है। अब कॉमिक्स में तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि एक कॉस्ट्यूम पहन के है, लेकिन मूवी के ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि वीजल सच में कोई म्यूटेटेड वीजल है, बट ये तो मूवी रिलीज होने पे ही पता चलेगा। ब्लैकगार्ड। ब्लैकगार्ड कॉमिक्स के हिसाब से एक छोटा मोटा गुंडा था जिसे कि बाद में एक बड़ी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन द थाउजेंड ने रिक्रूट कर लिया था। इसकी सुपर पावर्स में आता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग कॉस्ट्यूम यानी कि सूट और एक एनर्जी मेस जो कि वो हमेशा अपने साथ रखता है। जेवलिन। जेवलिन जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ओलंपिक का जेवलिन थ्रोअर कम विलन है जिसका कि कॉमिक्स में काम ही था सुपर हीरोज पे जेवलिन थ्रो करके उन्हें मारना। तो ये एक तरह से मूवी में कॉमेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया हुआ कैरेक्टर है। TDK। ये एक बहुत ही सुपर फन कैरेक्टर होने वाला है। TDK का फुल फॉर्म है द डिटैचेबल किड। इसकी सुपर पावर्स है कि ये अपने दोनों हाथ डिटैच करके उन्हें टेलीकिनेसिस से यानी कि मेंटली कंट्रोल करके फाइट कर सकता है मतलब कि कुछ भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द थिंकर। द थिंकर DC कॉमिक्स में गॉथम सिटी का एक लॉयर था जो कि सभी गैंग्स और वॉरलॉर्ड्स को कंट्रोल करता था अपने मेंटल हैट डिवाइस से। उसकी एबिलिटीज में शामिल है टेलीकिनेसिस, और मूवी के ट्रेलर्स के हिसाब से ये इस मूवी का मेन विलन हो सकता है। तो अब बात करते हैं मूवी के प्लॉट की। तो कहानी शुरू होती है बेल रेव प्रिजन से, जहाँ पर कि दुनिया के सबसे खतरनाक सुपर विलन्स को कैद करके रखा गया है। अब यहाँ से निकलने के लिए ये प्रिजनर्स कुछ भी करने को रेडी है। तो जैसा कि मैंने बताया है, जब उन्हें एक सुपर सीक्रेट मिशन के बारे में बताया जाता है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस एजेंसी की हेड अमेंडा वॉलर क्रिएट करती है एक टीम जिसका नाम है टास्क फोर्स X। उन सभी के दिमाग में फिट करती है वो चिप जिसे कि वो रिमोटली उन्हें ब्लास्ट कर सके, और रिक फ्लैग की अगुवाई में उन्हें भेजती है एक मिशन पे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा खतरनाक मिशन आखिर है क्या। तो कॉर्टो माल्टीज नाम का एक आइलैंड है जिसपे कि यह नाजी एरा का एक प्रिजन। अब US गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस आइलैंड पे अभी भी प्रिजनर्स कैद है जिनपे की कई तरह के अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अब टास्क फोर्स X का काम है इस आइलैंड पे जाके यहाँ पर जो कुछ भी है उसे डिस्ट्रॉय करना, इंक्लूडिंग वो प्रिजन। अब क्योंकि ये सभी लोग सुपर विलन्स हैं, इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी किसी का सगा नहीं है, और दुश्मन इलाके में दुश्मन तो इन्हें मारने की कोशिश करने वाले हैं ही, बट ये खुद भी आपस में एक दूसरे को मारने का शायद कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और अब आ जाते हैं मेन विलन पे। जैसे कि ट्रेलर में अमेंडा वॉलर इस मिशन के प्रोजेक्ट का नाम बताती है जो कि है प्रोजेक्ट स्टारफिश। इसे क्लियर होता है इस मिशन का मेन विलन जो कि है स्टारो द कंकरर। स्टारो के बारे में हमें कॉमिक्स से ये पता है कि वो एक स्टारफिश की तरह दिखने वाला जायंट एलियन है। वो अपनी बॉडी से खुद ही के जैसे छोटे छोटे मल्टीपल स्टारफिश एलियन जनरेट कर सकता है जो कि ह्यूमंस के फेस पे चिपक के उनका माइंड कंट्रोल करते हैं। यानी कि एक स्टारो हजारों लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है अपने मल्टीपल रूप यूज करके। तो अमेंडा को ऑलरेडी स्टारो के बारे में पता है, और हो सकता है कि टास्क फोर्स X को बनाने से पहले उसने ऑलरेडी कोई और टीम वहां भेजी थी जो कि फेल हो चुकी है। यही रीजन है कि वो अब भेज रही है इस एक्सपेंडेबल टीम को, और शायद इन्हीं अतरंगियों की टीम पे टिकी है दुनिया जो कि शायद बचा सकते हैं हमें स्टारो से। अब बात करते हैं मूवी की रिलीज डेट के बारे में। मूवी रिलीज हो रही है 6 अगस्त वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में, बट जैसे कि करंट कंडीशन चल रहा है इंडिया में शायद ही हर जगह थिएटर्स खुले हों। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको हजारों वीडियोस इल्लीगल तरीके से मूवी डाउनलोड करने के मिल जाएंगे, बट मैं सिर्फ लीगल तरीकों की बात करने वाला हूँ। तो मूवी थिएटर्स के अलावा HBO Max नाम के एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज हो रही है। अब पंगा ये है कि HBO Max फिलहाल इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि अगर आपको HBO Max का सब्सक्रिप्शन लेना भी है तो पहले आपको VPN इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके बाद कि आप अपनी कंट्री को एज US सिलेक्ट करके HBO Max का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी लगभग 1100 रुपये पर मंथ। बट अगर आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं तो कुछ महीनों बाद मूवी YouTube मूवीज और बुक माई शो के स्ट्रीमिंग ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अब मूवी कैसे देखनी है वो आप पे डिपेंड करता है।
तो गाइज ये था द सुसाइड स्क्वाड मूवी से रिलेटेड वो सब कुछ जो कि आपको पता होना चाहिए मूवी देखने से पहले। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे आने वाले बाकी वीडियोस को देखने के लिए और आने वाले गिव अवेज में पार्टिसिपेट करने के लिए सुपर फैंस को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम स्वप्निल और आप देख रहे थे सुपर फैंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।